फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का नंदिनी किचन में। तो आज मैं आप सभी के लिए ईद स्पेशल एक बहुत ही खास रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए रोस्टेड सेमिया ले ली है। ये आपको बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ये ब्राउन कलर की आती है। वैसे तो बाजार में दो तरह की सेमिया मिलती है, एक ऐसी रोस्टेड वाली और एक लच्छे वाली। तो हम नॉर्मल वाली सेमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम सेमियों को देखिए हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये क्रश हो जाती है हाथों की मदद से। देखिए दोस्तों, ये हमने सारे सेमियों को क्रश कर लिया है। अब दूसरी तरफ हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने 2 टेबलस्पून घी लिया है। इस रेसिपी को आप घी या बटर में ही बनाएं, तेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेल का इस्तेमाल अगर आप करोगे ना दोस्तों तो इस रेसिपी में एक तेल की गंध रह जाएगी और इससे ये रेसिपी उतनी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। अब हम अपने क्रश किए हुए सेमियों को इसमें डाल के 4 से 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे ना करें, क्योंकि सेमियां बहुत जल्दी जल जाती है। ये देखिए हम इसे भून रहे हैं। हमें भूनते हुए करीब करीब 4 से 5 मिनट का समय हो गया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके बाद हम इसमें एक छोटी कटोरी चीनी ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी जगह अगर आपके पास चीनी का पाउडर हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब इसके बाद हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। मिल्क पाउडर की जगह पे आपके पास अगर खोया है तो उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चीनी और मिल्क पाउडर को ऐड करने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक के लिए और भुनेंगे, ताकि सभी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिल जाए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मिल चुकी है। अब हम इस मिक्सचर का एक हिस्सा अलग करेंगे और 3 हिस्सा अलग करेंगे। अब 3 हिस्से को जो हमने अलग किया है ना दोस्तों, उसे हम एक कांच के बेकिंग मोल्ड में ले लेंगे और उसका हम एक मोटा सा लेयर बना के तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए इसका एक मोटा सा लेयर बना के तैयार करेंगे। अगर आपके पास ऐसी बेकिंग ट्रे ना हो दोस्तों तो आप कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब हम एक कटोरी की मदद से इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए सेमिया कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले लिया है दोस्तों। कढ़ाई में हम 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे। जब तक हमारा दूध उधर उबल रहा है दोस्तों, हमने आधा कटोरी ठंडा दूध इधर अलग से ले लिया है। उसमें हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए अब हमने जो दूध को उबालने के लिए रखा था ना दोस्तों, वो अभी हल्का ही गर्म हुआ है। अब हम कस्टर्ड के जो मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे। कस्टर्ड के मिक्सचर को दूध में ऐड करने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे दोस्तों। इस टाइम पे आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। आप इस मिक्सचर को जब चला रहे हैं दोस्तों, इसके तले को अच्छे से हिलाते हुए चलाएं, नहीं तो हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर है ये जल सकता है नीचे से। करीब करीब हमें 4 से 5 मिनट का समय हो गया है और हमारा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रहे हैं। वो 200 ग्राम का छोटा वाला टिन आता है ना दोस्तों, वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो आप उसके जगह पे चीनी और मिल्क पाउडर मिला के ऐड कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल सेम टेक्सचर आता है। अब कंडेंस्ड मिल्क को ऐड करने के बाद दोस्तों, हम इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक के लिए और पकाएंगे ताकि ये अच्छा गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट का समय हो गया है और देखिए करछी को जब हम इसमें डुबा रहे हैं दोस्तों, देखिए करछी के ऊपर इसकी एक लेयर बन रही है। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए इसका मतलब है हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इससे ज़्यादा आप इसे ना पकाएं दोस्तों, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसके बाद हमने जो सेमियों का जो बेस बना के तैयार किया था ना दोस्तों, अब इसके ऊपर हमने जो कस्टर्ड का मिक्सचर बना के तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। 2 लेयर कितने साफ साफ इसमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने जो ऐड किया ना दोस्तों, वो थोड़ा मोटा किया है। इससे हमारा जो डेजर्ट बनने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए अब इसके बाद
हमारा कस्टर्ड के मिक्सर के बाद हमारे पास जो एक भाग सेमियों को हमने जो बचा के रखा था वो हम इसके ऊपर से इस तरीके से ऐड करेंगे। बस हमें इसे ऐसे ऐड करना है दोस्तों कि हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सर है वो पूरी तरीके से ढक जाए। ये देखिए हमने सेमियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टर्ड के ऊपर फैला दिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से चॉप किए हुए बादाम को अच्छे तरीके से इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास काजू हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता के कतरन ले लिए हैं दोस्तों, इसे भी हम अच्छे तरीके से ऐड करेंगे। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स हो, जो आपको पसंद हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दिखने और खाने दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। ये देखिए मैंने काजू और पिस्ता को अच्छे तरीके से इसमें फैला दिया है। देखिए हमारा डेजर्ट लगभग बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे इसी तरीके से रूम टेम्परेचर में आने देंगे दोस्तों। जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए दोस्तों इसके 3 लेयर्स कितने बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। अब लास्ट मैंने इसे एक चेरी के साथ गार्निश किया है ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर हो जाए। वैसे तो मैं आपको कहूँगी इसे 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसे सर्व करें, लेकिन अगर आप हड़बड़ी में हैं तो आप इसे कम से कम तो 2 घंटा फ्रिज में ज़रूर रखें। ये देखिए कितना बढ़िया डेजर्ट हम लोगों ने बना के तैयार किया है दोस्तों, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली डेजर्ट है ये। तो इस ईद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और अपने कमेंट्स और सजेशंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।